देहं श्री गुरु श्री युता पद कमलम श्री गुरु वैष्णवास श्री रूपम सत्रजातम जगन रघुनाथनितम साम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखानितांस ओम ज्ञान तिमिरांध्रस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः गुरुदेवाय धीमते सम्मूर्तये श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांति श्री प्रभु विष्णु महात्मने नमः विष्णु पादाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायणिति नामिने श्री कृष्ण लीला कथन सुदर्शन औदार्य माधुर्य गुणैश्च युक्तं वयं वरेण्यं पुरुषं महान्तं नारायणं स्तं शिरसा नमामि नामयां विष्णुपादाय आचार्य सिंहरूपिणे श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव श्री अतिमर्त चरित्राय स्वश्रितानञ्च पालिने जीवदुखे सदात्राय श्री नाम प्रेमदायिने नामयं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती नामिने श्रीभार्गवानविदेवी दयिताय कृपाद्वये कृष्ण समन्द विज्ञान दायिने प्रभवे नमः माधुर्य जल प्रेमाढ त्रिरूपानुग भक्तिद श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दिनधारिणी श्रीरूपानुग विरुधाव सिद्धांत दंतहारिणी नमः गौरकिशोराय साक्षात वैराग्यमूर्तये विप्रलंबर सांबधे पादंबुजाय ते नमः नाम भक्ति विनदाय सचिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगभराय ते गौरवाभिभावमीष्टं निर्दिष्टा स्वजन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्ती व्रजदेवी सत्यवत्यै नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द प्रियाद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम बंदी श्री गुरु शरण कमल
Thank you.
श्री कृष्ण चैतन्य माइक ले Thank you.
aja. Ini aja.
उनका हो गया तुम्हारा कृष्ण देव भगवान 216 कृष्ण देव भगवान जय 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 राम।
अध्याय ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै स्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्रीराधाकांत नमस्तुते। वैदग्ध सिंधुरनुरागैक सिंधु वात्सल्य सिंधुरतिसांद्र कृपायक सिंधु लावण्य सिंधुरमृत छविकेल सिंधु श्रीराधिके स्फुरतु मे हृदि केल सिंधु। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टम विष्णु पाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद्भक्ति श्री रूप सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टम विष्णु पाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी को यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। गतकल हम लोग श्रवण कर रहे थे श्री परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को आते ही उन्होंने प्रश्न की झड़ी लगा दी। क्यों झड़ी लगा दी? हाँ, इसलिए उन्होंने बोले अभी तक शरीर का पसीना भी सुखा ही नहीं और आप तो मेरे को प्रश्न की झड़ी लगा दी। बोले ऐसे क्यों? बोले कारण ही आप जैसे संत लोग एक गृहस्थ के घर में कितना समय रुकते हैं, गैया को दोहन करने के लिए जितने समय लगता है उससे ज्यादा समय आप रुकते नहीं। इसलिए कहते ना बहते जोगी बहते पानी रमता जोगी और बहता पानी। इसलिए अब अभी अभी चल पड़ोगे लेकिन फिर मेरा कल्याण कैसे होगा। इसलिए मैंने आपको प्रश्न करके मैंने बांध दिया क्योंकि जब तक आप प्रश्न का उत्तर नहीं दोगे तब तक यहाँ से नहीं जाओगे। इसलिए उन्होंने क्या प्रश्न किया था, कोई श्लोक अब याद है? बोले अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरु पुरुषस्य जत कर्तव्य म्रियमाणस्य सर्वथा। श्लोक याद कर, दो श्लोक याद करना है। और जत स्वर्तव्यम अथ जप्यम जत कर्तव्यम नृभि प्रभु स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि जत वा विपर्ययम्। उन्होंने दो श्लोक में सारे उन्होंने प्रश्न कर दिया सारे। इसलिए क्या बोले? बोले अतः पृच्छामि संसिद्धिं, अब कृपा करके ये बताओ जगत में ऐसे कौन सा वस्तु है जिसको पाने का बाद जीव की और किसी चीज को पाने की इच्छा नहीं रह जाता है। लेकिन अब ये दुनिया में देखना भले ही जितना जीव को मिल जाए ना, अंबानी को पूछो तू क्या संतुष्ट हो गया, वो सोचता होगा पृथ्वी का सबसे बड़ा धनी मैं कैसे बनूं। इसलिए राजा कहे महाराज सुखी और महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, चतुरानन कहे सुख शिव को भारी कर भारी। इसलिए तुलसीदास विचार कहे हरि भजन विना सब दुख भिखारी।
इसलिए इसलिए इनका प्रश्न यही है, जगत में ऐसे क्या वस्तु है जिसको पाने के बाद कदे जन लभ, जो गीता का श्लोक है, बोले जन लभात चापरम लाभम मन्यते अधिकम तथा, बोले जिस चीज को प्राप्त करने के बाद उसको मन में ये भावना हो जाए जीवन में हमें सब कुछ मिल जाए। इसलिए ध्रुव जी को जब ठाकुर दर्शन देते हैं ना, ध्रुव कहते मेरा पूर्ण काम हो गया, प्रभु आपका दर्शन पाते ही मेरे सारी इच्छा आपकी पूरी हो गई। सारी इच्छा कब पूरी होता है, बोले जब तक भगवान का दर्शन नहीं होता है ना, तब तक जीव का इच्छा पूरी कभी होती नहीं। इसलिए अतः पृछा में समसिद्धिम, समसिद्धि मतलब सम्यक रूप में जगत में इसे क्या वस्तु है जिसको पाने से जीव को सब मिल जाए। पुरुष तत्ना समथिंग पर परम गुरु पुरुष से जत कर्तव्य म्रियमाण से सर्वथा, जो मरना मरने से जो व्यक्ति है उसका क्या कर्तव्य है। कोई बोलेगा हम थोड़ी अभी मर रहे हैं, अभी तो पता नहीं कब हम मरेंगे, अभी क्या मर रहे हैं, अब कह रहे हो मरने से व्यक्ति का क्या कर्तव्य है। कहते परीक्षित महाराज के पास में 7 दिन था, हमारे पास में 7 सेकंड भी नहीं है, हैं हम जो श्वास छोड़े हैं दूसरा बार ले भी पाएंगे कि नहीं पाएंगे ये भी हमारे पास में कोई गारंटी नहीं है। इसलिए कहते इनका क्या कर्तव्य है, बोले जत श्रोतव्यम क्या सुननी चाहिए, अथ जप्यम क्या जप करनी चाहिए, जत कर्तव्यम क्या करनी चाहिए, स्मर्तव्यम भजनम किसको क्या स्मरण करनी चाहिए, क्या भजन करनी चाहिए, और उसको बाद में क्या स्मरण नहीं करनी चाहिए, क्या भजन नहीं करनी चाहिए, क्या जप नहीं करनी चाहिए, क्या नहीं सुननी चाहिए, सबके सब आप बताओ। इसलिए मानो ये 2 श्लोक में उन्होंने प्रश्न कर दिया। जब उन्होंने ये प्रश्न को श्रवण किया तो इसका उत्तर देते हैं, ये श्लोक याद करना। पहले बरियान ऐसे प्रश्न कृत लोक हृतम नृपम, पहला कर लिख दो बरियान ऐसे प्रश्न, उसके बाद में श्लोकों को अच्छे तरह से लिख देना वहां से। कृत लोक हृतम नृपम आत्मबीत सन्मत पुंसाम श्रोतव्यादि सुजा पर, इसलिए कहते आप जो प्रश्न किया है कैसे प्रश्न, बोले बरियान, बरियान मतलब होता है श्रेष्ठ प्रश्न आपने किया है, हैं बड़ा सुंदर आपने प्रश्न किया, ऐसे प्रश्न सहज में लोग नहीं करते हैं। किसी व्यक्ति को पास जाओ क्या प्रश्न करेगा, हमारे धन कैसे समृद्धि होगा, बेटा बेटी कैसे घर सुखी में रहेंगे, हमारी हैं प्राकृतिक जगत का केवल जड़ वस्तु लोग ही प्रश्न करेंगे, किसको पास में जाओ, लेकिन आत्मा का जो कल्याण का वस्तु कोई जगत में प्रश्न नहीं करेगा। इसलिए कहते हैं आप जो प्रश्न किया है ना अपने अपना लिए ये प्रश्न नहीं है परीक्षित महाराज का, क्यों, परीक्षित महाराज तो कृष्ण का परिकर है, इसलिए इनके लिए प्रश्न है सब जीवों के लिए, ये प्रश्न हम लोगों के लिए, जैसे अर्जुन का जो मोह है अर्जुन के लिए नहीं हमारे जीव के लिए उन्होंने प्रश्न किया है, तर इसी तरह इन्होंने ये जीव का कैसे कल्याण होगा, जनता का कैसे कल्याण होगा, ये जनता का जीव का कल्याण को सोच करके ये प्रश्न करते हैं। बोले बरियान ऐसे तो प्रश्न, इसलिए तुम्हारे जो प्रश्न है बड़ा मंगलदायी प्रश्न है, इसलिए ये प्रश्न कोई प्राकृतिक प्रश्न नहीं, कभी जो प्रश्न किया है कहता आत्मबीत सन्मत पुंसा, जो आत्मबीत जो बड़े बड़े जो साधु लोग है कहते वे लोग तुम्हारे प्रश्न को आदर करेंगे। अब वास्तव रूप में यहाँ पर जितने बैठे हुए कौन बैठे हुए, व्यास पराशर नारद बड़े बड़े सबके सब बड़े बड़े ऋषि लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, इसलिए सारे बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग जिस प्रश्न का आदर करेंगे इसलिए यहाँ पर सारे ऋषि लोग आए हुए हैं, इसलिए यहाँ पर भागवत कथा होगी, भागवत कथा यहाँ पर होगी, इसलिए ये सबके सब यहाँ पर आए यहाँ पर है। इसलिए कहते श्रोतव्यादिनि राजेंद्र, ये श्लोक भी याद करना, बोले श्रोतव्यादिनि राजेंद्र नृणाम संति सहस्र स अपश्यताम आत्म तत्व गृहेशो गृहम। इसलिए यहाँ कह रहे श्रोतव्यादिनि राजन नृणाम संति सहस्र स, लोगों का सुनने के लिए बहुत बहुत कुछ, क्या किस उधर कित कर
कागज हाथ है लगा। इसलिए कहते लोगों का सुनने के लिए ये बहुत सारी बात है, लोगों को सुनने के लिए। बैठ जा, लोग देख लेना, बैठ करके पार्क में जा, लोग बैठे हुए होंगे, क्या बात करते होंगे, सारा दुनिया की बात करते होंगे, हैं बिना कारण की, है बिना कारण की बात, ऐसे सारा बिना कारण की बात। अब कहीं भी पार्क में जाओ, लोग बैठे हुए देखोगे, सारे राजनीति का बात करते होंगे, इधर का बात, उधर का बात, सारा दुनिया की बात करते होंगे। अरे जिस जो बात करनी चाहिए वो बात तो करेंगे नहीं, फजूल का कैसे अपना समय को कैसे बिताएंगे। कोई कोई कहते ना हमारा समय ही नहीं बिता है, इसलिए टाइम पास नहीं होता है। तो कहते और भक्त लोगों को पूछो, पहले हमें भगवान की भक्ति पता नहीं समय कैसे बीत जाती है, ठाकुर को सेवा करते हुए ठाकुर की कथा सुनते हुए हमें पता ही नहीं चलता है। अगर हमें थोड़ा ज़्यादा समय मिले ना, हम तो चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा हरिनाम करें, ग्रंथ पढ़े, लेकिन हमको समय नहीं मिलता है और किसका टाइम पास नहीं होता है, इसलिए कहते श्रोतव्यादि निराजन निराम संति सहस्र सब। सुनने के लिए तो लोगों का बहुत सारी बात है, हैं बात है। बोले अपश्यतम आत्म तत्व गृहेशु गृह मेधि नाम। कहते जो गृह मेधि लोग है, गृह मेधि मतलब दिमाग में, गृह मतलब तो संसार की बात है। कहते ये जो लोग है, इन लोग के लिए जो संसार को ही जीवन का सर्वस्व बना दिया, इसको पर कोई परमार्थ वस्तु है इसी विषय में जिनकी चिंता है नहीं। कहते इन लोगों का सुनने के लिए बहुत सारी बात है, लेकिन अपश्यतम आत्म तत्वम, लेकिन इन लोगों ने आत्म तत्व के विषय में कोई चीज को दर्शन नहीं करते हैं। क्या किया ये हम विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं, भक्तमणि ठाकुर कहते हर व्यक्तियों को कहते चार पांच प्रश्न करनी चाहिए। बोले के आनी, मैं कौन हूँ, कोथाए छिलाम, मतलब मैंने कहाँ था। बोले कि करते एथा एला, मतलब हमने यहाँ क्या करने के लिए आया है, कि बा काज करे गेला, हमने क्या हमने करके गया, और कोथा जाव शरीर पता नहीं, मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे। कहते ये प्रश्न जगत में कोई करता है। बोले जब तक रहो खाओ पी करके, पास किसी सर पे अपना भले ऋणी करके भी घी भी पी लो, मरने के बाद कौन देखता है, कौन देखता है। इसलिए इसलिए किसी तरह से कहती है चार बाग है, हाँ ये मिट्टी बाग चार बाग है, एक फिलोसफी है। इसलिए ये लोग ऐसे ही पूरा जीवन को किसी तरह से खा पी कर बाद मर जाओ, उसके बाद कौन देखता है। लेकिन यहाँ पर कहते हैं हम लोग कौन है, क्या कर रहे हैं, हमारा भविष्य में क्या होगा नहीं होगा। कहते जो आत्मविद पुरुष है उनको इसी विषय पर इनको विवेचना करनी चाहिए हैं। जब उन्होंने ये प्रश्न ये बात बताए, फिर इसको कहते हे राजा, ये जगत का जो लोग है केवल चार काम करके ये जीवन को बिता देते हैं। बोले क्या है, इस श्लोक सब याद करना। बोले निद्रया आर्यते नक्तम दिवाच राजन कुटुंब भरण। कुल दिन में दो काम करते हैं और रात को दो काम, केवल ये चार काम करते हुए अपना जीवन को लोग बिता देते हैं। बोले दिन में दो काम क्या करते हैं, दिन में कैसे हम पैसा कमाएंगे और पैसा कमा करके अपना परिवार को कैसे हम मेंटेनेंस कैसे करेंगे, और रात को विश्राम करना और इंद्रिय तृप्ति, बच्चों को जन्म देना। कहते कुल ये चार काम करके ही जीव ये जीवन को नष्ट कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। इसलिए बोले देहा अपत्य कलत्रादिषु आत्मसन्निषु असत्स्वपि तेषांग प्रमत निधनाम पश्यन्नपि न पश्यति। इसलिए ये लोग देखते हैं हमारी क्या है, हमारे हमसे जो छोटा व्यक्ति था ना उसने भी शरीर छोड़ कर चला गया, लेकिन हम क्या सोचता है, मर गया क्या हुआ, हम मैं थोड़ी मरूंगा, ये बड़ा आश्चर्य की बात है। इसलिए युधिष्ठिर महाराज को धर्मराज यही प्रश्न किया, जगत में सबसे बड़ा आश्चर्य किया है। कहते अहनी अहनी भूतानी गच्छन्ति जव मंदिर, हम देखते हैं है घर के सामने राम नाम सत्य करते करते लोग को ले जा रहे, सबके सब राम नाम सत्य करते करते सबको ले जा रहे,
बोले वो मर गया क्या हो गया, मैं थोड़ी मरूंगा। ये बहुत बड़ा आश्चर्य चीज है। अब देखना कभी जीव इसका कारण क्या, कारण है हमारे अंदर में जो आत्मा है ना, ये अजर अमर सनातन है, ये अजर अमर ये सनातन है। इसलिए सनातन होने का नाते वो प्रभु का अंश है, होने का नाते ये जीव भी कभी सोचता नहीं हम कभी मरने वाले। इसलिए भले ही 100 साल हो गया, वो 200 साल का प्लानिंग बनाकर बैठा हुआ, ये करना वो करना वो करना वो करना, क्योंकि सोचता मैं मरूंगा ही नहीं। इसलिए यहाँ पर कहते हैं तेसाम प्रमत निधनाम, उनका मृत्यु देख करके भी वो मृत्यु को नहीं देखते हैं। बोले देहा अपत्य क्लत्रादिषु, कहते देह अपत्य स्त्री पुत्र परिवार इनको क्या समझना है, यही लोग ही हमारे सैनिक, ही हमको रक्षा करने वाले हैं, यही लोग हमको रक्षा करने वाले। लेकिन ये लोग कोई रक्षा करने वाले नहीं, इसलिए ये बात को कौन कह रहे हैं, ये बात कह रहे हैं ये द्रौपदी कह रहे हैं उत्तरा को। कौन कह रहे हैं? द्रौपदी कह रही उत्तरा की ये बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बोले उत्तरा पहले मेरे अंदर बड़ा घमंड था, है बड़ी घमंड था किसका, अगर एक पति अगर कोई बलवान हो ना उसका पत्नी तो का छाती फुला कर जाती होगी, अरे हमारे पति ऐसे है हमारे को बिगाड़ सकता है। और मेरे कितने कितने पति थे? 5-5 पृथ्वी के सबसे बड़े धनुषधारी अर्जुन। इसलिए अगर कि धनुषधारी का किसका नाम आता, किसका नाम आता है? अर्जुन। अगर सबसे बड़े गदाधारी का नाम आता है तो किसका आता है? भीमसेन। किसको भाला युद्ध में सबसे बड़ा नाम किसका आता है? युधिष्ठिर। और तलवार युद्ध में नकुल और सहदेव, बड़े बड़े ये हैं रथी अतिरथी सबके सबते अतिरथी थे सबके सब, हजार हजार योद्धा को साथ में जो युद्ध कर सकते हैं। इसलिए द्रौपदी कहते हैं उत्तरा ये मेरा आजमाया हुआ चीज है, मेरी अनुभूति चीज है, इसलिए मैं तुमको ये बात बता रहा हूँ। मेरे बहुत पहले घमंड था, लेकिन जब जुआस में हार गए, दुशासन जब खिसड़ते हुए भरी सभा में ले आया और मैं आंख फाड़ फाड़ कर देख रही थी, कोई तो कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोले नहीं, सबके सब सर नीचा करके बैठे हुए थे, जितना हमारे पितामह सबके सब भी नीचा। लेकिन जब देखा कोई भी रक्षा नहीं कर पाए, मैं खुद को खुद रक्षा नहीं कर पाई, दोनों हाथ उठा करके हे गोविंद राख शरण अब तक जीवन हरि, हे गोविंद तेरे सिवाय और कोई हम रक्षा करने वाले नहीं, फिर कृष्ण ने ही वस्त्र दिया। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं हमारे जो वास्तव रूप में जो सैन्य रक्षा करने वाले ना, ये ठाकुर ही हमें रक्षा करने वाले, ये परिवार कोई रक्षा करने वाले नहीं। इसलिए कहते कैसे हो, बोले जब तक जेब में पैसा हो, पैसा घर और तुम कौन है। इसलिए यहाँ पर कह रहे किसको जीवन का सर्वस्व माननी चाहिए, भगवान को। इसलिए तीसरा श्लोक में कह रहे, देखो ये श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है, बोले तस्मात भारत सर्वात्मा भगवान हरिश्वर श्रोतव्य कृति तपस्य स्मर्तव्य इच्छता भय। बोले तस्मात, तस्मात मल इसीलिए, इसलिए किसलिए, बोले अगर अपना जीवन को कृतार्थ बनना चाहते हो, अगर अपना जीवन को कोई धन्य बनाना चाहते हो, किसको द्वारा धन्य होगा? विश्वनाथ चक्रधरिया कहते हैं कर्म के द्वारा तुम्हारा जीवन धन्य नहीं होने वाले, और ज्ञान कर्म योग के द्वारा जीवन तुम्हारे धन्य होने वाले नहीं। किसको द्वारा होगा? केवल भगवान की भक्ति को द्वारा ही जीवन ये धन्य होगा। इसलिए तस्मात, तस्मात मतलब इसलिए है, तस्मात भारत, भारत मतलब अर्जुन, भा मतलब प्रकाश, रत्न मतलब जो हर समय प्रकाश का तरफ में रहते रहते हैं। इसलिए अर्जुन है इसका नाम, ये किसको परीक्षित महाराज जो कह रहे हैं, इसलिए थे परीक्षित महाराज जो भरत वंश में जो आए हो। इसलिए श्रोतव्य कृतित्व स्मर्तव्य इच्छता भयम्, अगर जीवन में कोई अभय पाना चाहते हैं, इसलिए हे भारत हे परीक्षित महाराज उसको क्या करनी चाहिए, तब उनको श्रोतव्य कृतित्व स्मर्तव्य कहते तीन काम करनी चाहिए, भगवान की कथा सुननी चाहिए, भगवान की कथा कीर्तन करनी चाहिए और भगवान का स्मरण करनी चाहिए, तीन काम करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर उन्होंने तीन नाम को लिया, देखो ये चीज को अच्छे तरह से लिख लो, कहते यहाँ भगवान का तीन नाम लिया है, कहते एक है सर्वात्मा,
एक नाम लिया सर्वात्मा, उसको बाद में लिया भगवान और उसको बाद में लिया हरि, तीन नाम लिया। कहते तीन नाम क्यों लिया, तो इसका टीका ठीक है। हाँ, इसलिए यहाँ पर टीका, यहाँ टीका में कह रहे हैं कहते भगवान की हाँ कहते तीन तरह का भक्त है। कहते एक तो भक्त है कहते जो मोक्षाभिसंधि, जो मुक्ति पाना चाहते हैं, जो ज्ञानी है, जो मुक्ति पाना चाहते हैं, जो ज्ञानी है, वो किसको उपासना करते, बोले सर्वात्मा है। कहता जो घट घट में जो सभी का घट घट में जो रहने वाले, यहाँ पर ऐश्वर्य प्रकाश हो रहे, यहाँ पर ठाकुर का कोई नाम नहीं है। वो लोगों के लोग ज्ञानी लोग है, ये लोग किसको उपासना करेंगे, वो सर्वात्मा को उपासना करते हैं ज्ञानी है। कहते परमात्मा, इसलिए जो अनुसंधानी है। दूसरा है कहते भगवान, कहते दूसरा व्यक्ति होते हैं जो रागानुगा भक्ति करने वाले है, जो रागानुगा भक्ति पक्ष में कहते जो अभय पाना चाहते हैं उसको क्या करनी चाहिए। कहते यहाँ भगवान मतलब जो सड़ ऐश्वर्य पूर्ण है, जो लोभ युक्त पुरुष। कहते पक्ष कौन है, जो बड़े सुंदर है, बड़े प्यारे हैं, वो कौन है, श्री नंद नंदन, इनकी कथा उनको सुननी चाहिए। ये रागानुगा भक्ति जो करना चाहते हैं, इसलिए कहते जो वैधि भक्ति करने वाले पक्ष है उनको किसको उपासना करनी चाहिए। अगर वे लोग अगर अभय पाना चाहते हैं उनको हरि को ही भजन करनी चाहिए। हरि और ईश्वर, हरि और ईश्वर। हरि मतलब जो हमारे दुख कष्ट को जो हर लेते हैं, हम कहते ना भैया हरि की शरण लो, क्यों हरि, उनका नाम हरि है। हरि मतलब जो हमारे दुख कष्ट को जो हर ले, इसलिए हरि वो ईश्वर है, दुनिया को रक्षा करने वाले। इसलिए जो वैद्य भक्ति उनको हरि और ईश्वर को उनको उपासना करनी चाहिए। इसलिए कीर्तितव्यस्य स्मर्तव्य, उसमें दो चकार है यहाँ पर, श्रवण कीर्तन स्मरण विहित। इसलिए यहाँ पर जो बताए श्रोतव्य कीर्तितव्यस्य स्मर्तव्य, उन्होंने तीन तरह का भक्ति बताया, तीन तरह का भक्ति। इसलिए भक्ति कितने तरह का है, बोले 64 तरह का भक्ति अंग है। बोले 64 तरह का भक्ति अंग को जब उसको सार रूप में लिया, कितने भक्ति, नौ, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्य आत्मनिवेदन, नौ। फिर उसका जब सार रूप में लिया क्या किया, साधु संग भागवत श्रवण मथुरावास श्री मूर्ति श्रद्धा सेवन नाम संकीर्तन, नाम संकीर्तन, ये सकल साधन श्रेष्ठ। यही पंचअंग कृष्ण प्रेम उपज जहर अल्प संग, ये पांच तरह का जो भक्ति को में कोई एक भक्ति अगर श्रद्धा पूर्वक कर दिया तो उसको भगवत प्राप्ति हो जाते हैं। जब पांच भक्ति को फिर जब सारा स्वरूप में लिया, कितना भक्ति, तीन। तो यहाँ पर यही करें श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य, ये श्रवण कीर्तन स्मरण। देखो इसमें कीर्तन को उन्होंने बीच में रखा, किसको, कीर्तन को बीच में। तो उन्होंने कीर्तन को बीच में क्यों रखा, कहते ये तीनों भक्ति में भी जो सर्वश्रेष्ठ भक्ति तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन निर अपराध नाम लैले पाए प्रेमधन, ये तीनों भक्ति के अंदर में भगवान का जो नाम संकीर्तन भक्ति इसको सर्वश्रेष्ठ भक्त है। अगर केवल एक भक्ति को अगर निष्ठापूर्वक कोई अगर कर लिया ना, बस तुमको सब कुछ सब भक्ति मिल जाएगी, सारी चीज मिल जाएगी है। वो क्या है, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भक्ति से सारे भक्ति हो जाएगी, इसलिए उन्होंने बीच में उसको रखा। बीच में जैसे कहते जैसे गौर सुंदर और चिराग चैत्र चंद्र का बीच में कौन बैठा है, श्रीराम भैया। इसलिए श्रीराम भैया ये कौन है, ये हो गए नाम संकीर्तन और ये हो गए श्रवण और ये हो गए कीर्तन है। जैसे वो बीच में बैठा हुआ ये दोनों को मदद कर सकता है, क्यों बीच में बैठा है ना, इसलिए इनको भी मदद कर सकता है और इनको भी मदद कर सकता है। इसलिए जब हम लोग ये हरिनाम करते हैं, जैसे हरे कृष्णा
जोर जोर से बोलते, तीन काम हो जाता है। एक हो गया कीर्तन हो गया, जो कीर्तन किए वही कान में जाता है, श्रवण हो गया, श्रवण हो गया। और जिस चीज को बोलेगा और सुनेंगे वही स्मरण होता है, स्मरण तो नहीं होता, वही स्मरण होता है, हैं? जो बोलोगे जो सुनोगे वही स्मरण। इसलिए कीर्तन क्या करता है, ये दोनों को ये मदद करने वाले कीर्तन है, इसलिए कीर्तन को ये सर्वश्रेष्ठ बताया। और एक चीज देखो, जैसे कथा हो रही है, अगर थोड़ी किसी में झपकी आ रही है, नींद आ रही है, थोड़ा कीर्तन कर लो, देखना वो नींद एकदम नींद भाग जाएगी। जैसे कभी कथा हो रही है, कभी कभी कथा सुनते सुनते हम बोर हो जाते हैं, आप देखना थोड़ी सी आप कीर्तन कर लो ना, सब के सब बोर पर खत्म हो जाते, एकदम बोर एकदम चंगा हो जाता है कीर्तन के द्वारा। इसलिए जो कीर्तन है ये क्या करता है, जैसे कथा हो रही है, अगर हम यहाँ पर कीर्तन करें ना, बोले कथा हो रही है, तुम क्या कीर्तन कर रहे हो, मतलब क्या, कीर्तन करते ही ये कथा जो सुन रहे हैं ना वो कथा भी बंद हो जाती है। इसलिए देखो जैसे स्मरण करते हो, देखना बस हम कभी कभी देखना जब हम स्मरण करने के लिए जाते हैं ना, कभी कभी भगवान की बात जो आनी करते बस सो जाते, आधा घंटा से आनी की हो रही लेकिन खत्म नहीं हो रहा है, हाँ खत्म नहीं हो रहा है, क्यों, वो सो जाते हैं, मंत्र जब करते करते सो जाते हैं, ये आनी की और अंगुल तो हाँ अंगुल वहीं पर ही है, इसलिए अंगुल आगे चल रही है, लेकिन आप देखना जब लेकिन कीर्तन जब करो ना एकदम जग जाते हैं, कीर्तन करते ही जग जाते हैं। इसलिए जो कीर्तन है ये श्रवण को भी मदद, ये कीर्तन कीर्तन को भी मदद करता है, ये स्मरण को भी मदद करता है, कौन बोलिए, कीर्तन। कोई बोलेगा आप कीर्तन को कैसे सर्वश्रेष्ठ बता दिया, क्योंकि आप तीनों भक्ति में देखना सबसे कठिन भक्ति कौन सा है, सबसे कठिन स्मरण, स्मरण है जी, स्मरण वे खतरनाक है सबसे ज्यादा, कथा सुन लोगे वही नहीं होता, कीर्तन कर लोगे स्मरण नहीं होने का, लेकिन आप बैठ करके जब गुरु मंत्र कोई चीज को स्मरण करने के लिए जाओ ना, याद करते पता नहीं मन कहाँ, किसी मार्केट में चला गया, नहीं तो गोलगप्पे की दुकान में, नहीं तो पराठा का दुकान है, याद दोस्तों के साथ पास में चला गया, हैं? ये मन पता नहीं कहाँ चले जाता है, ये मन सबसे कठिन है ये स्मरण। इसलिए यहाँ प्रश्न करते हैं, आप कह रहे हो कीर्तन श्रेष्ठ है, कीर्तन कैसे श्रेष्ठ, कीर्तन तो जो तो कर सकता है, कथा भी सुन सकते, लेकिन स्मरण होना बड़ा कठिन है, इसलिए श्रेष्ठ कर स्मरण। इसलिए बोले स्मरण तो कठिन है, आप कीर्तन को कैसे श्रेष्ठ बता दिया, तब एक उदाहरण दिया, बोले भैया एवरेस्ट में चढ़ना भी तो कठिन होती है, इसलिए एवरेस्ट में चढ़ना कठिन है कि नहीं चढ़ना, इसलिए इसलिए क्या बोलेंगे को बड़ा हो गया, तो कोई काम कठिन है इसलिए आप उसको बड़ा नहीं बोल सकते हो, कठिन के लिए बड़ा नहीं बोल सकते हो, हैं? लाभ किसमें देखे जाता, लाभ किसमें, लाभ किसमें है, केवल कीर्तन में ही ज्यादा लाभ है, हाँ ये सारे भक्ति के अंग को पुष्ट करता है कीर्तन। इसलिए महाप्रभु बोले परम विजय ते श्री कृष्ण संकीर्तनम, कलयुग में ये जो कीर्तन की जय जयकार हो, बोले हरि नाम संकीर्तन की जय, सचिनंदन गौर हरि की जय, जिताई गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि गौर की जय। अगले आप लोग, मेरा क्वेश्चन है, बंद कर दिया पहले, बंद कर दिया।